सत श्री अकाल, मैं मुनीश वत्स आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसमें अपनी राय दें और अपना समर्थन दें। आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने लिखा है कि 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर बाल दिवस का आयोजन होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों होता है। मैंने बहुत छानबीन करने की कोशिश की, ऐसा क्या किया उन्होंने कि सब बच्चे उनको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर मैंने सोचा, काफी देर सोचा रहा, तो मेरे ध्यान में एक ही नाम आया कि अगर बाल दिवस बने तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने देश की अखंडता के लिए, देश के धर्म के लिए, रक्षा के लिए अपने चारों पुत्र वार दिए, अपने चारों पुत्र कुर्बान कर दिए। उनके पुत्र शहीद हो गए मुगलों से लड़ाई लड़ते वक्त, उनके चारों के चारों पुत्र शहीद हो गए जो बाल रूप थे। अगर हमें बाल रूप बनाकर किसी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी को देनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को जिसने अपनी गद्दी पाने के लिए इस देश को खंडित कर दिया, इस देश को टुकड़े कर दिए ताजो वो देश पर राज कर सके। मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर बाल दिवस बनना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने जो हमारे लिए किया उसका कुछ कुछ हम कभी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। हमारे पूर्वजों के पर जो उनके कर्ज थे, हमारे पूर्वजों के कर्ज, हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते, पर कुछ तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अपील करता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर बाल दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। और साथ साथ मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आज एक पत्र लिखा जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की कि दिल्ली में चाचा नेहरू बच्चों का हॉस्पिटल है, उसका नाम बदलकर श्री गुरु गोविंद सिंह चाइल्ड हॉस्पिटल कर देना चाहिए। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारे गुरुओं के लिए होगी। और साथ साथ मैं एचआरडी मिनिस्ट्री से कहता हूं कि हमारे गुरुओं के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए कि उन्होंने क्या किया था। सिर्फ सिख गुरुद्वारों में, सिख जो कम्युनिटी के स्कूल है उन्हीं में पढ़ाया जाता है। जो असली फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने प्रथम आजादी दिलाई थी, लाल किले में पहली बार केसरिया किसने लहराया था तो खालसा पंथ ने लहराया था, उनके बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बनाना चाहिए, इस पर मेरा समर्थन कीजिए। मैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा पटना साहब से। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, मुझे कांटेक्ट करें 888-222-3775, फेसबुक पर करें मुनीश वत्स, ट्विटर पर करें @मुनीश V85। धन्यवाद।